पूर्व जनसंपर्क मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वायरस के चलते विधानसभा सत्र की तारीख बढ़ाए जाने की अटकलों को लेकर कहा कि यह कोरोना नहीं डरोना वायरस है। अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास बहुमत है तो वे फ्लोर टेस्ट कराएं और बहुमत साबित करें। नरोत्तम ने सिंधिया पर जानलेवा हमले को लेकर कहा कि कांग्रेस बाहुबल दिखा रही है, इनको नहीं पता कि सत्ता बाहुबल नहीं बुद्धि बल से चलती है। दुनिया में महामारी की तरह फैल चुका कोरोना वायरस अब सियासत में भी घुस चुका है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र आगे बढ़ाया जा सकता है, वहीं कोरोना को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह कोरोना नहीं डरोना वायरस है, जिसके कारण कांग्रेस सत्र बढ़ाने की बात कर रही है। कमलनाथ सरकार के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, अगर सरकार के पास बहुमत है तो वो इसको सिद्ध करें, फ्लोर टेस्ट कराया जाए। वो कोरोना नहीं है, डरोना है, डर लग रहा है इनको और डरोना के कारण से बढ़ाने की बात सोचते होंगे। बार बार कहते हैं कि उनके पास बहुमत है, उनकी सरकार 5 साल चलेगी, कह क्यों रहे हो, करो दिखाओ। अगर है भ्रम की स्थिति बनी है, अध्यक्ष जी को इस्तीफे आए हैं, विधानसभा के माननीय महामहिम को अगर इस्तीफे आए हैं तो उसकी स्थिति को स्पष्ट करो, या तो उन विधायकों को ले आओ या सत्र को आहूत कर लो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट कर लो। नरोत्तम मिश्रा ने सिंधिया के काफिले पर हमले को लेकर कहा कि सत्ता बुद्धि बल से चलती है ना कि बाहुबल से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मारपीट की वो निंदनीय है। कांग्रेस बाहुबल दिखाने की कोशिश कर रही थी जिसका परिणाम है मारपीट। अगर आगे इसी तरह की कोशिश की गई तो यह बहुत खराब स्थिति होगी। जिस तरह से सिंधिया जी का स्वागत हुआ, जो उनकी लोकप्रियता देखी तो कांग्रेस घबरा भी गई और बौखला भी गई। और बौखलाहट में वो ये भूल गए कि सत्ता बुद्धिबल से चलती है, बाहुबल से नहीं चलती। ये अपने आप को बाहुबली बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्षुद्र और छद्म हथकंडे अपनाने की जो कोशिश है, पत्थरबाजी जैसी कोशिश करना, काले झंडे दिखाने की कोशिश करना, मैं मानता हूं ये निंदा के योग्य कृत्य है और ये अक्षम्य अपराध भी है। लोकतंत्र में इनका कोई स्थान नहीं होता और इसकी पुनरावृत्ति होगी तो बहुत कठिन दौर से और गुजरना पड़ेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।